नेचर एंड वेदर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। निचले स्तरों पर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में मध्यम से भारी बारिश हुई। लक्षद्वीप, केरल, दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, असम के पश्चिमी हिस्सों और उत्तराखंड और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, उत्तर और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, राजस्थान और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात के शेष हिस्सों, उत्तरी तटीय उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हुई। अगली 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तलहटी, असम के कुछ हिस्सों, नागालैंड और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ और लद्दाख में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। अगली जानकारी के लिए बने रहें।